राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी खेमों में हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासत भी गहराती जा रही है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी तेज है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। हमारे एक विधायक को एक वोट देने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में भी वोट खरीदने में जुटी है। इससे बीजेपी की खरीद फरोख्त की राजनीति का चेहरा उजागर होता है। उन्होंने कहा, मुझे अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, हमने व्हिप जारी कर दिया है। आप भी सुनिए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या बोला कमलनाथ ने। अभी मुझे खबर आई है कि हमारे एक विधायक को उन्होंने फोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में है। ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। मैं तो कह रहा हूँ, एक कांग्रेस एमएलए ने मुझे कहा, मैं तो न्यूज़ में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो व्हाट्सएप में घूम रहा है, उसने खुद कहा कि मुझे इसने फ़ोन किया। तो सर, सभी कांग्रेस विधायक हाँ आपसे भी अपील की कि आप भी आदिवासी सर, मुझे अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है। सर, विप जारी करेंगे सर? विप तो नॉर्मली होता ही है, इस इलेक्शन में हमेशा होता है। अब ये सब छापे मारना, छापे की राजनीति, ईडी की राजनीति, ये तो देश भर में चल रही है। अब जो जीतेगा उसके यहाँ छापा मारेंगे, ये आप नोट करके रख लीजिएगा रिकॉर्ड में। हाँ, किस बात के लिए? इलेक्शन को नहीं, मैं इस चीज़ों में विश्वास नहीं करता। सर, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि मैं किसी को कहूँ आप इधर वोट दो उधर वोट दो राष्ट्रपति चुनाव में। तो ये बात स्पष्ट है कि मुझे अपने कांग्रेस विधायकों पर पूरा विश्वास है, ये जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। वहीं इस पर विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, विधायक दल की बैठक में एक विधायक ने कहा कि मुझे ऑफर आ रहे हैं, इतने पैसे ले लो, बीजेपी आज अटल जी की बीजेपी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डर गई है, इसलिए वो फोन करके विधायकों की खरीद फरोख्त करेगी। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये केवल राष्ट्रपति नहीं, देश के भविष्य का चुनाव है। जिस तरह से खुले मुँह का शेर बनाया गया है, उसी तरह खुले मुँह से सरकारों को ये खा रहे हैं, पैसे देकर विधायकों को खरीद रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली वो पहली आदिवासी महिला होंगी। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 18 जुलाई को वोटिंग है, नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।